फिर तो तुम्हें 100% जेल होगी शर्मन। इट्स प्रीपोस्टरस अंकल, मेरे पार्टनर के डैडी हार्ट अटैक का नाटक कर रहे हैं और कुछ नहीं अंकल। आईसीयू में लेटे लेटे। हाय गाइस, ए शर्मन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना अंकल। मान लीजिए कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा। ठीक से समझा, एक्चुअल थप्पड़ मार। क्यों? अरे भाई, ये अपने केस का डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा है। मार। लेकिन अंकल, फिर तो रोसेश के बाल भी जलाने पड़ेंगे ना। नो no! हाँ हाँ तो जला। नहीं अंकल, अंकल प्लीज अज्यूम कि मैंने रोसेश को थप्पड़ मारा, रोसेश गिरा, इसके बालों में आग लगी, अब आपका क्या रिएक्शन होगा? यू मीन मेरी जोर जोर की हंसी रुकने के बाद का रिएक्शन ना? अंकल प्लीज, इट्स सीरियस स्टफ। मतलब क्या आपको हार्ट अटैक होगा? No, I don't think so. Point proved. That's it. क्योंकि जब रोसेश की कविता को फर्स्ट प्राइज मिला था ना, तब भी मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ। That was a great poem, okay? Title था चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चीची से चिल्ला चिल्ला कर कहा चुप। सुना, चप्पल की चूचू ने चिड़िया की चीची से चिल्ला चिल्ला कर कहा चुप। देखा तुमने, तुम इसके बाल क्यों जलाने वाले थे, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये सब छोड़कर ये अपनी कविता सुनाने बैठ गया। अब इसे कविता। गुड इवनिंग इंद्रवदन। अरे मधु फूफा, आप यहाँ इतना बड़ा बैग लेकर? अब मुझे जरूर हार्ट अटैक आएगा। अरे शर्मन, तू यहाँ? एवरीथिंग ओके? आई एम ओके। नहीं नहीं, मैंने पूछा एवरीथिंग ओके? आई सेड आई एम ओके। ये बहरा है क्या? वो छोड़ो मधुसूदन भाई, आप इतना बड़ा सूटकेस लेके यहाँ क्यों आए हैं? बैग? वो तो माया ने कहा था पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के लिए कुछ चीजें डोनेट करनी है, तो मैं कुछ चीजें इसमें ले आया। डैड, पुलिस से याद आया, अभी रेडियो एफएम पे न्यूज फ्लैश आया था कि MH02AK9872। ये तो मेरी कार का नंबर है इंदु अंकल। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उसमें एक मुजरिम फरार है। हाँ, तो वो मुजरिम यही है रोसेश। क्या, कब से? अभी अभी शुरू किया है साइड बिजनेस। अरे बेवकूफ, पुलिस से बचने के लिए तो ये यहाँ आया है। एंड लाइक अ गुड सिटीजन, मैंने पुलिस को फोन करके बता दिया कि वो गाड़ी हमारी बिल्डिंग में पार्क्ड है। बोलो। व्हाट? इंदु अंकल, मतलब पुलिस यहाँ आ जाएगी? देन आई विल बी इन ट्रबल, आई मस्ट लीव। अरे तुझे क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करके बताने की? ओह माय गॉड, अंकल पुलिस साहिल के घर के दरवाजे पे पुलिस है अंकल। आई एम इन ट्रबल। शर्मन, आर यू ओके? आई एम नॉट एट ऑल ओके अंकल। इम्पॉसिबल अंकल। शर्मन, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस बैल्कनी से नीचे नहीं उतर सकते, इस बिल्डिंग की दीवारें सीधी सट है, तुम गिर जाओगे। ऐसी यूजलेस बिल्डिंग में रहने की क्या जरूरत है अंकल? और नॉचेस क्यों नहीं बाहर की दीवार पर? हम लोग क्या है, शर्मन के दरवाजे से आते जाते हैं ना, तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आया कि ओ माय गॉड, वो साहिल का SMS है, वो इंस्पेक्टर का बच्चा यहाँ आ रहा है। तो अंकल छुपाइए मुझे जल्दी प्लीज। हाँ हाँ, जल्दी अंकल। पुलिस तो हर कमरे में चेक करेगी डैड। मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना, मधुसूदन भाई, शर्मन कापड़िया को छुपाना, इमरजेंसी है। ओह, अब इमरजेंसी वर्ड कैसे समझाओ इनको? मैं समझा देता हूँ डैड। मधु फूफा, एक शब्द, एक शब्द के दो टुकड़े। ओहो, तुम लोग ये डम शरार, वहां जाकर खेलो। ओके, कम 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 ऑन शरार, कम ऑन। अंकल सुनो, कहां छुपो? अरे ये सूटकेस में छुप जाओ, इधर थोड़ी देखने वाला इंस्पेक्टर। आओ अंकल, इसमें ऐसी टैकी बैग में? एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्टर से कहता हूँ कोई इंपोर्टेड सा बड़ा सूटकेस ले आए तुम्हारे लिए। अंकल मैं जा रहा हूँ। हाँ तो फिर जाओ, रुको। घुसो 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 इसमें। हाँ हाँ, जाओ सब नीचे कर। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी जी, कहाँ है वो? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात है? सब ठीक तो है? देखिए ना डैड, इंस्पेक्टर साहब को लग रहा है कि शर्मन का पड़िया यहाँ आया है। शर्मन? अपना वो शर्मन? वो यहाँ क्यों आएगा भैया?
मुझे यहाँ का माहौल कुछ और सा लग रहा है। है? हाँ वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर एक रोसेश है, एक मधुसूदन भाई है। हाँ समझा समझा, इमरजेंसी है। You got it, woman! समझ गया, सब कुछ समझ गया। इंदु, इसने मुझे समझा दिया कि शर्मन कापड़िया को घर में छुपाने की इमरजेंसी है। रोसेश, तूने पूरा सेंटेंस समझा दिया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए? चंदा लेने, कपड़े वगैरह लेने? सर, शर्मन कापड़िया को कहाँ छुपाया आपने? हाँ हाँ, सभी चीजें डोनेट करनी है। देखो, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि शर्मन कापड़िया कहाँ है? बैग में। क्या? हाँ, सभी चीजें बैग में तो है। अरे ये सब चीजें बाहर क्यों है? अंदर। वो मधुसूदन भाई, आप फिक्र मत करो, वो मैं सब। देखिए, आप लोग सीधी तरह से बताते हैं कि शर्मन कापड़िया कहाँ है, वरना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है शर्मन कापड़िया बेडरूम में है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको लगता है तो चलिए चलिए चलिए, देखते हैं बेडरूम में। चलिए। अरे शर्मन, तू बैग में क्या कर रहा है? तुझे तो छुपना है। मिस्टर सारा भाई, आपने तो कहा था कि मिस्टर शर्मन कापड़िया यहीं कहीं बेडरूम में है, कहाँ है वो? वैसे वो बाथरूम है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा कहाँ है वो? अरे यहीं पर था, होगा यहीं कहीं, इधर उधर देखिए। मैं खोई हुई चप्पल नहीं ढूंढ रहा, इधर उधर क्यों देखूं? पर वो इसी तरफ आया था। आपको कैसे पता? हम तीनों तो साथ ही इस फ्लैट में आए ना। वो भी है। यहां से बाहर जाने का और कोई रास्ता? बाहर जाने का? लेमिसी। इसमें इतना सोचना क्या? देखिए, अगर आप लोगों ने ठीक तरह से कोऑपरेट नहीं किया, आप सबको जेल हो सकती है। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैंने सुना है वहां पे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं। वो भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो। ओह माय गॉड, शर्मन सूटकेस में है जो बाहर पड़ी है। मुझे पहले से ही शक था। तो पहले क्यों नहीं बताया? अरे इंस्पेक्टर, आप है, आपको शक होना चाहिए। मोनिशा को क्यों डांट रहे हैं आप? ए इंदु, इंदु, वो शर्मन है ना, वो बैग में से निकलकर कॉरिडोर में चला गया। अगर वो भाग गया तो तुम सबकी खैर नहीं। राम तेरी गंगा मेली, इस वक्त कहाँ लगी? This is preposterous. How could he do this? उसने इतना बड़ा धोखा, शादी कर ली रोसेश ने, बच्चा भी है। हो जाता है माया। हो कैसे जाता है इंद्रवदन, हो कैसे जाता है? अब माया, बच्चा कैसे हो जाता है वो भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। He has stabbed me in the back. तुमने भी तो मेरी बा का गला दबाया था। जो रोसेश ने किया है ना, this is... वैसे, कौन है ये लड़की? तुम नाम जानते हो उसका? रीटा। रीटा? Oh my God! एक और middle class. अरे वाह, रीटा नाम हुआ तो middle class हो गई। Naturally, सिर्फ middle class लोग अपनी बेटी का नाम रीटा रखते हैं। अच्छा, और वो तुम्हारी high society friend जो है साधना सिंघानिया, उसकी बेटी का नाम भी तो रीटा है। उसका नाम है रिता। Oh. Not रीटा। रिता। Anyway, कहाँ रहती है ये रीटा? वो तुम रोसेश से ही पूछ लेना, कल वो लेके आ रहा है यहाँ अपनी धर्मपत्नी को। इंद्रवदन प्लीज, धर्मपत्नी इज टेलीविजन सीरियलिस्टिकली मिडिल क्लास। कल रोसेश आ रहा है यहाँ अपनी औरत को लेकर, ओके? एंड माया, प्लीज प्लीज बी सिविल विद हर, ओके? विठल, वो ओह हेलो रीटा। जय गुरुदेव माजी। And the same to you. और ये? I am a Daksesh Rosesh सारा भाई। रोसेश पुत्र, अपनी दादी माँ को एक प्यारी सी नर्सरी राइम नहीं सुनाओगे? हम्टी डाम्टी सैट ऑन अ गाड़ी, गाड़ी पे बैठा तभी आ गई दादी। दादी ने कहा गाड़ी से उठकर आओ मेरे पास, क्योंकि गाड़ी पे बैठे हैं जस्ट मिडिल क्लास। कितना करेक्टली पहचाना है इसने अपनी दादी को। दादी माँ। ओह बेबी। इंद्रवदन,
फौरन शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। ऑफिशियली होगी शादी। मेरा दक्षेस अपनी मम्मी पापा की शादी में अंताक्षरी खेलेगा, राइट? एक और कविता सुनाओ ना बेटा। ओके दादी माँ। बस बस, हाँ बस बेटा, ज्यादा लाडला बनने की जरूरत नहीं। यहाँ यहाँ इसे ले जाओ। हाँ रीता, हाँ बांग्लादेश, तुम लोग तो वहां सेटल होने वाले हो ना। तुमने शादी की है रीटा से, सुनाओ ना कविता बेटा। हे करी डिकरी डॉग, मनीषा बॉट है सेकंड हैंड क्लब। चुप चुप। माया, दरअसल बात ये है कि मैं कविता सुनाऊं इंद्रवदन। Rosesh has a smart mama, smart mama, smart mama. Rosesh has a smart mama, her name is Maya Sarabhai. Rita Rosesh ki biwi nahi, wo jaan gayi ye sachchai. Sarabhai, this is Sarabhai.